हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम मटरी। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो करवा चौथ भी आने वाली है, तो इस पे बनाएंगे हम मटरी एक सीक्रेट के साथ। ना तो हम शक्कर की बनाएंगे ना गुड़ की, एक नई चीज़ से बनाएंगे मटरी जो खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है और बड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आओ बनाना स्टार्ट करते हैं हम मीठी मटरी। ये हमने लिया एक कटोरी मैदा और साथ में लिए एक चम्मच काले तिल, आधा चम्मच मीठा सोडा। और आज बना रहे हम इस बतासी की मटरी जो सबके घर में मिल जाती है और वैसे भी, तो आज इसको हम सबसे पहले पीस लेंगे मिक्सी में। और ये हमने मिक्सी में पीस लिए बतासी जिसका बुरादा बना लिया है, और मैंने इलायची भी इसी के अंदर डाल के पीस ली है। सबसे पहले डालेंगे हम एक बाउल में ये मैदा एक कटोरी, इसी के साथ ऐड करेंगे काले तिल, अब ऐड करेंगे मीठा सोडा जो आधा चम्मच ही छोटे वाले चम्मच, और अब डालूंगी मैं ये पतासी का बुरादा जो हमने पीस लिया था जो एक छोटी कटोरी से थोड़ा कम है। और ये अब डालेंगे तेल। तेल देखा जाए तो आधी कटोरी है छोटी वाली, यानी ऐसे देखा जाए तो सब्जी का एक चम्मच। और अब इसको हम मिक्स करके और हम इसका आटा लगा लेंगे पानी के साथ, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा मुलायम। तो इसको हम पानी डाल के, और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। और देखिए अब इसको मैं तेल लगाकर 5-10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, अच्छे से सेट हो जाएगा। और हम इसको रख देते हैं। ये देखिए हमारा 5-10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा सेट हो चुका है। इसको मैंने थोड़ी देर अच्छे से ऐसे मसला है, उल्टा पुल्टा किया है, इसको पटका है। इसकी अब हम लोई बना लेंगे। लोई हमें जो हम रोटी बनाते हैं वैसी लोई बनानी है हमें, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अब तो हम इन सब की लोई बना लेते हैं अच्छे से। इसको ये हमने लोई बना ली, इसकी हम रोटी बेल लेते हैं। रोटी हमें ना तो ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी बेलनी है। इसकी अच्छे से हम रोटी पर बेल लेंगे मैदा लगा के। मैं तेल नहीं लगा रही हूँ, मैदे की सहायता से हम रोटी बेलेंगे इसकी अच्छे से। ये इस तरह से बेल देंगे रोटी, पतली वाली, ना पतली ना मोटी। और ये हमने काले तिल डाले तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट मैदे के अंदर, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं मटरी के अंदर तो तिल, और फ़ायदा भी करते हैं। तो ये मैंने एक गिलास ली, अगर आपके पास काटने वाला हो तो उससे काट ले, मेरे पास नहीं है तो मैं इससे गिलासी गोल गोल पूड़ी काट रही हूँ यानी मटरी। आप चाहे जैसा शेप दे सकते हैं। और ये मैंने सारी मटरी बेल लिए, और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसको गरम होने देते हैं। और जो हमने पूड़ी बेली थी सारी मटरी, तो उसको हमें तेल में डालने से पहले ऐसे बेल बेल के डालना है, यानी पतला कर कर के। और ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं हम पूड़ी। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम गर्म ही है, और इसको हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है गुलाबी होने तक। ये देखिए, और इसको हम फ्राई करते हैं धीमी आंच पे और बेल के डाल देते हैं। और इसको जब हम पलटी देंगे तो हमें ध्यान से पलटी देना है, क्योंकि हमने बतासी यूज की है तो मीठी वाली है, तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बेलते हमें पलटी देते हुए हमें ध्यान से पलटी देना है, नहीं तो टूट जाएगी। और ये हमें गुलाबी होने तक फ्राई करना है। और ये देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम सारी मटरी भी फ्राई कर लेते हैं बेल बेल के और धीमी आँच पे। और ये देखिए हमारी मटरी तैयार हो चुकी, कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, आप बना के देखिए पतासी की मटरी। और इसी तरह से आप बनाएं, चाय के साथ खाएं, और त्योहारों का सीजन चल रहा है तो बनाएं, सबको खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।